वैश्य नजरों की हो गई शिकार, फिर देश समाज इंसानियत हो गई शर्मसार। नमस्कार, मैं वंशिका राघव और आप देख रहे हैं जनोदय। दिल्ली कैंट के नांगल गांव में रविवार शाम 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर जिंदा जलाने का आरोप सामने आया है, जिसे देख बच्ची के माँ बाप के साथ हजारों लोगों ने किया धरना शुरू। आज धरने के दूसरे दिन हंसराज हंस भी हुए शामिल, बच्ची के माँ बाप के साथ बातचीत की और दुख जताया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राघव मखीजा की ये रिपोर्ट। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ रेप और संदिग्ध मौत का मामला सामने आने पर लोगों का गुस्सा उमड़कर सामने आया। जहां पहले दिन राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, राजनाथ सिंह ने परिजनों से मुलाकात की थी, वहीं दूसरे दिन सांसद हंसराज हंस, रामदास अठावले, अनिल चौधरी ने परिजनों से मुलाकात की। केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं शमशान घाट पर सुरक्षा बल तैनात करवा दी गई है। बेटी के साथ जो हुआ है, उन मुजरिमों के साथ तो जहाँ तक पहुँचाएंगे भी, और जो जो हम कर सकते हैं, उन्होंने जाती तौर पे कहा कि मेरी तरफ से कहना, पीएम साहब ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वहीं से आया हूँ मैं, वहीं जाऊँगा अभी, तो उनको सारी रिपोर्ट दूंगा, विद इन फ्यू डेज इसका रिजल्ट आएगा। कोई मुआवजा जो हुक्म करेंगे, अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का बोला मैंने, 5 बंदों की कमेटी, कोशिश करते हैं पीएम साहब से इनको भी मिलाया जाए, गृह मंत्री जी, माने गृह मंत्री जी से मिलाया जाए, उसके बाद जो हुक्म करेंगे। वो बेटी है हमारी, जैसे ही पता चला कि हमारी 9 साल की बेटी बच्ची के साथ जो घिनौना हरकत की गई है, जो अत्याचार किया गया है, मैं यहाँ की मौजूदा सरकार वह भाजपा सरकार से कहना चाहता हूं कि ये आपकी सरकार ईमानदारों की नहीं है, गुंडा और बलात्कारियों की सरकार है। ऐसा लगता है कि देश के अंदर कि आज देश को इन लोगों ने लूट कर और खसोट कर बलात्कार के नाम पर कर दिया है। सब ये मिलीजुली सरकार जो वर्तमान सरकार है, इनकी वो हैं, सिफारिश करती हैं। आज देखने को मिल रहा है कि मैं यही कहूंगा, जो बच्ची के साथ घिनौना जो अपराध हुआ है, इसमें कड़ी से कड़ी सा दोषियों को सजा दी जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे जनोदय के साथ। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.